मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि रिश्ते कैसे बदल जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले जो बेबो आंटी सितारा के इतने सपोर्ट में थी, जब उसकी दूसरी शादी का सुना था तब मैंने उनको खुद ब्लॉग में देखा था, उनका खुद का ब्लॉग देखा था। वो उन्होंने खुद ब्लॉग बनाया था, है उस बच्ची के साथ गलत हो रहा है, हस्बैंड ने बहुत गलत किया, मैं तो सो नहीं सकी, मुझे तो नींद नहीं आई। और आज अचानक से ही उन्हीं के खिलाफ वो ब्लॉग बना रही हैं, जिसको वो उन्होंने कभी अपनी बेटी माना, उसकी फैमिली के साथ इतने रिश्ते अच्छे किए। आज पता नहीं, कहते हैं ना लोग मौके का फायदा उठाते हैं, सेम वो भी यही काम कर रही हैं। आज जब उनको सपोर्ट करना चाहिए तो मैं उनकी पोल पट्टी खोलती हूँ। हाँ, मैं उनके घर गई थी तो मैं ये देखने गई थी कि वो लोग तो सारे कैमरा लेके बच्चे के उस पे बना रहे थे। जब बच्चे के उस पे सब बना रहे थे तब तो आपने आके कुछ नहीं बताया। आज जब उसकी बहन के साथ उसकी जो प्रॉब्लम चल रही है तो आज आप भी बता रही हो सारा कुछ। समझ नहीं आया क्या मतलब, एक औरत के पीछे इतना हाथ धो के सब पहुंच जाते हैं सिर्फ व्यू के लिए? सिर्फ एक ब्लॉग इसलिए बनाते हैं कि एक लेडीज को इतना परेशान किया जाए? मुझे तो नहीं ये सही लगता। उसके भी तीन छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी भी दो छोटी बेटियां हैं, उसका भी बेटा है, उसकी भी अपनी फैमिली है। ऑलरेडी वो इतने डिप्रेशन में, ठीक है उनकी फैमिली में जो भी मैटर है, कम से कम आप लोगों को तो उसके चक्कर में व्यू मिल रहे हैं, इसलिए आप उस पर ब्लॉग बना रहे हैं, इसलिए आप उस पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। जो भी है वो आपस में डिस्कस करेंगे ना, आप क्यों ब्लॉग बना बना के व्यू इकट्ठा कर रहे हैं? मुझे नहीं समझ आई, थोड़ा सा तो शर्म करो। वो भी आपको अपनी माँ की तरह मानती थी, इज्जत करती है आपकी, इतनी सपोर्ट इज्जत करती है आप। मैं और बताऊंगी, कौसर कौन है पैसे क्या मतलब, लोग सक्सेस हो जाते हैं जो लोग उनसे इतना चिढ़ने लगते हैं कि अपनी इज्जत जो उन्होंने खिलाया पिलाया, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया, आपका तो वो वाला काम है। आज उसकी फैमिली का अफसोस कर रहे हैं, उसके बच्चों का तो थोड़ा ख्याल रखो ना। जो उसने अपने एक माँ, माँ बहुत बड़ी चीज होती है, उसने आपको अपनी माँ माना है, माँ के बदले कौन अपने बच्चे को करते है? आपकी बेटी नहीं है ना, इसलिए दर्द नहीं पता चल रहा। जब आपकी खुद की बेटी होती ना तब आपको उस चीज का एहसास होता, तभी भगवान ने आपको बेटी नहीं दी है। आप दूसरों पे कीचड़ उछाड़ने पे लगे पड़े हो, उसके खिलाफ ब्लॉग। और देखिए आपके ब्लॉग में मैंने देखा है, और मैं उसके बारे में बताती हूँ, उसके वालिद को उन्होंने 4 मिनट का टाइम दिया, मतलब ये सब चीजें आपने आज मुंह खोला है? ये तो आप अगर यूट्यूबर हो तो ये चीजें तो आपको पहले क्लियर करना चाहिए थी कि नहीं भाई, जैसा मैंने देखा वहां पे मुझे लगा नहीं। आज आप कह रहे भैतिक, कहते हैं ना वो हमारे में बहती गंगा में हाथ धोना, वो सेम आप भी कर रहे हो आज। आज उनकी फैमिली को आप भी रूल कर रहे हो, उसकी बहन का जो भी है वो उनकी अपनी फैमिली का मैटर है।